देश में 21 दिन का लॉकआउट लग गया, इससे बुरा तो क्या ही हो सकता है। तो ये बता दूं कि पिक्चर का मेन क्लाइमैक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। 21 दिन के लॉकआउट में जो भी एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं, वो आप अभी भी ले सकते हैं। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो बात कर्फ्यू तक पहुंच सकती है, जो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। पर क्या बात सिर्फ कर्फ्यू पर आकर रुक जाएगी, आगे और कुछ नहीं? देखिए, कोरोना वायरस एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के साथ साथ पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर एक मेजर थ्रेट बनता जा रहा है। कोई भी न्यूज़ चैनल उठाकर देख लीजिए, दुनिया भर के जितने भी स्टॉक मार्केट है सभी क्रैश करते जा रहे हैं। देखिए, इस वीडियो का मकसद पैनिक क्रिएट करना नहीं है, पर देश में जो भी डिस्कशन हो रहे हैं उन्हें खुलकर टेक्निकली डिस्कस करना है ताकि आप और अवेयर हो सके। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम कोरोना वायरस के इकोनॉमिक इम्पैक्ट और देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी के चांसेस के बारे में जानेंगे। तो जहां सरकार कोरोना वायरस को इंडिया में फैलने से रोकने की पुरजोर कोशिश कर रही है, क्या इसका मतलब ये है कि वो देश को COVID-19 के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस से भी बचा पाएगी? पूरी पिक्चर समझते हैं। देखिए, इंडिया इन मेजर कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है। पूरा साइकिल समझने के लिए सिर्फ एक कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, चाइना, जो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अब चाइना में फ्लाइट सस्पेंडेड है, फैक्ट्रीज बंद है, पूरा काम बंद है, जिससे इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी फर्क पड़ेगा, सप्लाई डिमांड को फर्क पड़ेगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाएगी। ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ रहा है, सप्लाई डिमांड पे फर्क पड़ रहा है, ये ग्लोबली सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर सेक्टर वाइज बात करें तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, एयरलाइंस है, थिएटर्स है, इन पर तो इसका असर दिखेगा ही, पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज पर। तो सोचिए, इंडिया की वो शहर जो मेनली ट्रैवल एंड टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, जैसे गोवा, इन पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। तो इन सारी चीजों से मैं कहना ये चाह रही हूँ कि कोरोना वायरस से एक चीज जिस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है वो है ग्लोबल इकोनॉमी। पूरा कॉन्फिडेंस ही हिल गया है। चलिए अब इंडिया की बात करते हैं। अगर हमारा देश रिसेशन की ओर बढ़ रहा है, तो अगर ये रिसेशन छोटे समय के लिए रहा तो ये देश सहन कर लेगा, पर अगर ये रिसेशन लंबे समय तक चला तो इसमें बहुत दिक्कत होगी। इट विल बी इंडियाज वर्स्ट नाइटमेयर। तो आज जो सिचुएशन आई है, इसके बारे में भी सालों पहले सोच लिया गया था। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में हो, इन सिचुएशंस को टैकल करने के लिए, इनसे डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है पार्ट 18, जो इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करता है, और ये दिए गए हैं 352 से 360 में। देखिए, टोटल तीन टाइप की इमरजेंसी होती है। पहली है नेशनल इमरजेंसी, जो देश में कुल तीन बार लगाई गई है। पहली इंडिया चाइना वॉर के वक्त, दूसरी इंडिया पाकिस्तान वॉर के वक्त, और तीसरी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी, जो अगर कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम ना करे या कोई भी पॉलिटिकल रीजन आने की वजह से इसे लगाया जा सकता है। इसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो देश में कभी लागू नहीं की गई है। हाँ, एक बार इसे लगाने का सोचा जरूर गया था। तो 1991 में वो एक बार जब हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का सोचा था, उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। देखिए, 80s और 90s का जो इंडिया था वो आज के इंडिया से काफ़ी डिफरेंट था। जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज थे, कुल 21 एरियाज डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल में थे। और 70s और 90s के पीरियड में इंडिया बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहा था, जैसे मल्टीपल वॉर्स, इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिस वजह से देश की जितनी भी वॉर और डिफेंस स्पेंडिंग थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। एक बात समझिए कि जितना भी हम देश की डिफेंस पे एक्सपेंड करते हैं वो देश की सिक्योरिटी के लिए ही होता है, पर जितने भी अरबों खरबों रुपए हम इस पे लगाते हैं, इस सेक्टर से एक भी रुपया वापस नहीं आता है। तो वॉर और डिफेंस के एक्सपेंडिचर के लिए हमें लेना पड़ रहा था इंटरनेशनल एलिमेंट से लोन, क्योंकि देश में ऑलरेडी इन्फ्लेशन था और इस लोन पे लग रहा था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लग रहा था कि 80s और 90s का जो हमारा बजट था उसका सबसे बड़ा एलिमेंट, 14% का जो एलिमेंट था, वो था इंटरेस्ट का एलिमेंट। इस वजह से देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की सोची जा रही थी। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास होते हैं तीन ऑप्शंस। पहला होता है मिंटिंग का, कि वो देश में नए नोट्स रिलीज करे, नए नोट मिंट करे, पर ऐसे करने से देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाता, तो ये ऑप्शन हो गया आउट। दूसरा था इंटरनेशनल हेल्प लेने का, पर हम ऑलरेडी लोन और इंटरेस्ट में डूबे हुए थे, ऐसे में इंटरेस्ट बढ़ाना सही ऑप्शन नहीं था। तीसरा ऑप्शन था डोमेस्टिक हेल्प लेना, अपने ही लोगों से हेल्प लेना, पर इन्फ्लेशन के चलते पब्लिक के पास पैसे ही नहीं थे, तो ये तीनों ऑप्शन हो जाते हैं आउट। ऐसे सिचुएशन में मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अलवालिया लेकर आते हैं देश में LPG की पॉलिसी,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी। इस पॉलिसी के कारण बाहर की जो कंपनीज थी वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती थी। अब क्योंकि इंडिया का जो पूरा मार्केट था वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, अनएक्सप्लोर्ड था, तो भारी मात्रा में FDI इन्वेस्टमेंट आने लगा। और इसी के चलते गवर्नमेंट ने भी अपने मेजर एरियाज का कंट्रोल छोड़ा, उस पर प्राइवेट कंपनीज अलाउ की। इसी तरह 1991 की फाइनेंशियल इमरजेंसी अवर्ट की गई थी। तो अब जिस तरीके से हमने 144 और कर्फ्यू को समझा था, उसी तरह से हम ये समझते हैं कि अगर इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो देखिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट को या इंडिया के किसी स्टेट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा है, तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू कर सकते हैं। तो ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू करने का प्रोसीजर। अब इसकी टेक्निकलिटी देखते हैं। देखिए, जैसे ही प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू कर दी, उसके इशू करने के 2 महीने के अंदर उसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अप्रूव होना होता है। अगर पार्लियामेंट इस इमरजेंसी को अप्रूव नहीं करती है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। पर अगर पार्लियामेंट भी इसे अप्रूव कर देती है तो ये जान लीजिए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी कोई मैक्सिमम पीरियड निर्धारित नहीं है। अगर एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो वो कितने भी दिनों, महीनों या सालों तक एक्सटेंड हो सकती है, इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो सकती है। कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। अब ये क्वेश्चन आता है कि एक बार अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो इसे ख़त्म कौन कर सकता है? तो ये पावर भी दिया गया है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ही एक प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे और फाइनेंशियल इमरजेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे अप्लाई की जा सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब क्विकली ये जान लेते हैं कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज की जाती है तो उसका असर क्या होगा। सबसे पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो स्टेट को बताएगी कि भैया तुमको कौन से स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने हैं, तुमको कैसे फंक्शन करना है, अपने स्टेट में फाइनेंशियल डिसिप्लिन तुम कैसे ला सकते हो, यूनियन स्टेट को बताएगी। दूसरा, हर स्टेट का जो भी मनी बिल होगा या फाइनेंशियल बिल होगा उसे प्रेसिडेंट की रजामंदी के लिए रोका जाएगा। और तीसरा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि यूनियन जो है वो स्टेट को ये डायरेक्ट कर सकती है कि तुम्हारे अंदर काम करने वाले जो भी लोग हैं उनकी सैलरी, पेंशन या अलाउंस को तुम रिड्यूस कर दो। साथ ही साथ यूनियन ये भी कह सकती है कि वो सारे क्लासेस ऑफ पर्सन्स जो यूनियन में काम करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज हुए, उनकी सैलरी, पेंशन या अलाउंस को भी रोक सकती है या रिड्यूस कर सकती है। तो ये था आज का वीडियो फाइनेंशियल इमरजेंसी पर। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। 21 दिन के इस लॉकडाउन पीरियड पर प्लीज़ पैनिक मत करिएगा और कुछ प्रोडक्टिव करते रहिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि इस 21 दिन के लॉकडाउन पे मैं हर एक दिन एक नया वीडियो अपलोड करूँ। तो कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ सजेशन दीजिएगा कि मैं किस पे वीडियो बनाऊँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।